नमस्कार फ्रेंड्स, अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो है सेक्शन 43B जो फाइनेंस एक्ट 2023 में आया, परंतु सबको बुखार अभी चढ़ा जब प्रोफेशनल्स ने, जब बिजनेस कम्युनिटी के अंदर ये चर्चा का विषय बना कि साहब आप जो परचेज कर रहे हैं उसका भुगतान, उसका पेमेंट अगर आपने टाइम पे नहीं किया तो मान के चलिए वो परचेज जो आपने खर्चे में लिया है, जिसका आपने एक्सपेंसेस क्लेम किया है, वो आपका प्रॉफिट बनने, इन द सेंस प्रॉफिट के अंदर ऐड होने वाला है, और उस पे कंसिक्वेंटली आपके जो टैक्स स्लेब्स हैं, आपकी जो टैक्स रेट है वो अप्लीकेबल होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसलिए भी है क्योंकि मार्च के अंदर जब हम पूरी प्लानिंग कर चुके होते हैं खर्चे की, हमारे जो टैक्स सेविंग पार्ट है उसकी भी हम प्लानिंग कर चुके होते हैं, हमारे हम जो सेल है प्लानिंग, क्योंकि हर एक बंदा प्लान करता है कि मेरे को टैक्स कितना देना पड़ेगा, मेरा खर्चा कितना करना है, एडवर्टाइजमेंट में कितना करना, पर पता लगा आपने पूरी प्लानिंग कर रखी है, उसके बाद आपके कुछ परचेज, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो तकरीबन 50 लाख के हैं, और वो 50 लाख के एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट के अंदर ऐड हो गए हैं, और 50 लाख पे आप 30% मान के चलिए अगर स्लेब रेट में आते हैं या टैक्स रेट है, 15 लाख का टैक्स अलोंग विद द इंटरेस्ट आपको देना है, तो आपके नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अगर आप नॉर्मल माइक्रो स्मॉल मीडियम माइक्रो स्मॉल कैटेगरी में नॉर्मली बाहर के रूप में आते हैं, तो ये डिस्कशन और दिमाग में इतने क्वेश्चंस, मैंने तकरीबन 60 से ज्यादा सेशंस लिए इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, और प्रोफेशनल कम्युनिटी, बिजनेस ट्रेड यूनियन सबके अंदर बड़ा चर्चा का विषय ये रहा, सर इस पर सोल्यूशन क्या है? देखो सोल्यूशन हम बाद की बात करेंगे, पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। दिमाग में क्वेश्चन है, सर मैं बायर हूं तो क्या मेरे को भी ये तकलीफ है, मैं सेलर हूं मेरे को भी क्या ये दिक्कत होने वाली है, मैं जिससे परचेज करता हूं वो क्या एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो या मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूं, मैं क्या मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी में आऊंगा या नहीं आऊंगा, सर मैं ट्रेडर हूं तो ट्रेडर के रूप में मेरे ऊपर ये अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मार्केट में घूम रहे हैं, मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, कई कॉल्स हैं प्रोफेशनल्स बिजनेस कम्युनिटी से, उन सब का आंसर मैं दे रहा हूँ अभी वन बाय वन, एक एक आंसर मैं आपको लेके चलूंगा, और ध्यान रखिएगा ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको टाइम पे एग्जीक्यूशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखा नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में, आप बड़े टैक्स बर्डन के अंदर आने वाले हैं। तो मैं पीपीटी के थ्रू आपको वन बाय वन समझाता हूँ कि ये एक्चुअली सेक्शन क्या बोलता है, आप देखिएगा, प्लीज बी विद मी विद दिस पर्टिकुलर पीपीटी, एग्जाम्पल के साथ में हम समझेंगे कि एक्चुअली ये हमें इम्पैक्ट कैसे करने वाला है। आपके सामने पीपीटी है और मैं वन बाय वन आपको इस सेक्शन की बारीकियों के साथ में लेके चला। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की जब हम बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि ये एक्चुअली है क्या, और कई बार ऐसा मेरे पास क्वेश्चन भी ये आया कि सर मिनिमम जो टर्नओवर, जो इन्वेस्टमेंट है, टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ऊपर होगा, 5 करोड़ से, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से समझिएगा, दो कैटेगरी माइक्रो स्मॉल, और मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं ये जो 43B है ये सेक्शन इन दो कैटेगरी पे अप्लीकेबल होने वाला है, अगर आप इनसे परचेज कर रहे हैं तो, मतलब आपका सेलर अगर स्मॉल में आता है और माइक्रो में आता है तो अप्लीकेबिलिटी है। अब सेलर कौन हो सकता है? सेलर कोई भी हो सकता है, यानी कि विक्रेता ये कोई भी हो सकता है, आपकी कंपनी हो सकती है, आपका इंडिविजुअल हो सकता है, आपकी पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो पर्टिकुलर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। ये कैटेगरी के अंदर अगर आप किसी भी इंटरप्राइजेस से बाई करते हैं, आपका सेलर अगर इस कैटेगरी में आता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको देखना, मतलब समझने वाली बात यह है कि माइक्रो में कौन होता है, माइक्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ से नीचे है, 1 करोड़, और टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे, 5 करोड़ या नीचे, तो वो दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाइड होनी चाहिए, यानी अगर ए लिमिटेड है जिससे आपने बाई किया है और उसका टर्नओवर तो मान के चलिए 80, इन्वेस्टमेंट तो 80 लैक्स है परंतु टर्नओवर 10 करोड़ का है, तो वो माइक्रो की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि दोनों एक साथ सेटिस्फाइड नहीं हुए, वो स्मॉल की कैटेगरी में चला जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे ये दोनों एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, राइट?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पर्टिकुलरली उन किन कैटेगरी के लिए अप्लीकेबल है? आपने हमने ये समझा कि सेलर कोई भी हो सकता है, पर साथ ही साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा ये सेलर जो क्लासिफिकेशन है ये या तो मैन्युफैक्चरर होगा या सर्विस इंडस्ट्री है। इनके अलावा अगर वो ट्रेडर है तो आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं है आपका सेलर, क्योंकि उस पर ये एमएसएमई एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट अप्लीकेबल ही नहीं होगा। आता हूं ट्रेडर में किस पे होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया नंबर ऑफ टाइम। तो आप समझिएगा बड़े आसानी से मैं आपको समझा रहा हूं ये सारी चीजें कि ये क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब ये तो सर कवर कर लिया, सर ये इन्वेस्टमेंट का और ये जो टर्नओवर है तो क्या कहीं से क्रॉस चेक भी होता है? बिल्कुल गवर्नमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट जो आईटीआर आप जो भरते हैं उसके अंदर एक डेप्रिसिएशन चार्ट होता है। डेप्रिसिएशन, आपने कभी डेप्रिसिएशन, हो सकता है मोस्टली बिजनेस कम्युनिटी उनके प्रोफेशनल ये काम कर रहे हो, पर एक डेप्रिसिएशन असेट्स पे चार्ज किया जाता है और वो भी प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहा हूं। जैसे आपका एसी आ गया, आपका कोई भी हो सकता है, आपकी मशीनरी आ गई, कुछ भी जो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आता है। अगर आपने 100 रुपए में खरीदा और उस पर आपका डेप्रिसिएशन मान लीजिए 15% है, तो ये 85 रुपीज आपका काउंट होगा जो कि इस कैटेगरी के अंदर आएगा इन्वेस्टमेंट के। पहले ऐसा नहीं था, ग्रोस ब्लॉक काउंट होता था, अब नेट ब्लॉक काउंट होता है। और हर साल की जो आप रिटर्न भरते हैं ये एमएसएमई का जो पोर्टल है वो उसे फेच कर लेता है। ये भी आपको समझ में आया होगा। दूसरा सर, टर्नओवर कहाँ से वेरीफाई होता है? टर्नओवर वेरीफाई होता है आपके जीएसटी पोर्टल पे जो आप सेल भर रहे हैं उससे, राइट? तो वहां से ये काउंट होता है और वहां से देखा जाता है कौन सी कैटेगरी में। थोड़े दिन बाद में ये ऑटोमेटिकली कर देंगे और हो सकता है जो प्लान किया जा रहा है हर एक, आप जैसे ही पेन नंबर डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा स्टेटस कि ये एंटरप्राइजेस कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है, क्योंकि आईटीआर और जीएसटी दोनों पेन बेस हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये कुछ ही दिनों में अप्लीकेबल हो जाए, राइट? तो आपने देखा स्मॉल कैटेगरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा हुआ और 10 करोड़ था, टर्नओवर 50 करोड़, जो कि 5 करोड़ से तो ज्यादा होगा ही होगा, बट ओबियस ये 1 करोड़ तक था, ये 5 करोड़ तक था, ये 10 करोड़ तक है और ये 50 करोड़, दोनों साथ देखी जाएगी। अगर अब इसमें इन्वेस्टमेंट अगर इससे ज्यादा हो गया 10 करोड़ से, टर्नओवर भले ही कम हो तो फिर वो मीडियम में चला जाएगा। तो सबसे पहले आपने तो ये बात समझी कि आपके सेलर की कैटेगरी ये देखनी है। अब ये पता कैसे लगेगा कि सर सेलर एमएसएम, अभी तो कोई फैसिलिटी है नहीं, तो देखिए इसके लिए आपको एक मेल डालनी पड़ेगी, आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा अपने सेलर से कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, राइट? अब सर इससे होगा क्या, क्या करना है उस पर भी मैं वन बाई वन आ रहा हूं। और ध्यान रखिएगा जो टर्नओवर है मोस्टली तो ये बायर पे एप्लीकेबल है, जो 43B सेक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि तो डिसअलावेंस आप में एक 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 छोटा सा एक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ पी एंडल, ताकि आपको एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आए। एक टी फॉर्मेट वाला कर रहा हूँ, टू परचेज, ओपनिंग स्टॉक में छोड़ रहा हूँ, केवल परचेज और सेल ले रहा हूँ, बाई सेल, राइट? ठीक है, परचेज आपने 10 रुपए की, सेल आपने 30 रुपए की, मान लीजिए स्टॉक को इग्नोर करते हैं, और टू कोई सैलरी भी है, सैलरी 5 रुपए की है, आपका प्रॉफिट आया 30 माइनस 15 15 रुपए का, राइट? तो आपको 15 रुपीज पे टैक्स देना है, मान लीजिए टैक्स रेट है 30%। अब होगा क्या, अगर आपने ये परचेज यानी कि आपका जो सेलर है वो अगर इन दोनों कैटेगरी में है और आपने उसका भुगतान 45 दिन के अंदर नहीं किया, 45 और 15 दिन है उस पर भी मैं लेता हूं, आप मान के चलिए 31 मार्च 2024 ये अप्लीकेबल 23-24 के लिए और उसके आगे के लिए है, ये जो 43B सेक्शन है, और आपने उसका भुगतान नहीं किया और 45 दिन से ज्यादा हो गए, तो आपका जो ये 10 रुपए का परचेज है
ये डिसअलाउंस हो जाएगा और ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 25 और उस पे 30% की टैक्स रेट लगेगी। यहाँ पे जो आपका 4 रुपए 50 पैसे लग रहा था, ये आपका 7 रुपए 50 पैसे लगेगा टैक्स। आप समझ रहे हैं? तो इतना फर्क आ जाएगा। ये तो बहुत, मैंने 100 रुपए का एग्जाम्पल लिया है, आप समझ रहे हैं? और अब क्या सर, ये क्या मेरा फिर हमेशा ऐड रहेगा, ये जो 10 रुपए का परचेज जो आपने ऐड किया? नहीं, अब सपोज करिए आपने इसका पेमेंट 24-25 के अंदर कर दिया, 10 रुपए का पेमेंट कर दिया, जिस साल आप पेमेंट करेंगे तो इसका लेस डिडक्शन उस साल के पीएनएल में मिल जाएगा। जो प्रॉफिट होगा, मान लीजिए यहाँ पे 5 रुपए प्रॉफिट है या 15 रुपए प्रॉफिट है, तो इसमें से लेस हो जाएगा, इस 24-25 में से 10 रुपए अब आपको 5 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। तो जिस साल आप इसको पेमेंट कर दोगे उस साल आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको थीम तो समझ में आई होगी कि एक्चुअली ये सेक्शन बोलता क्या है। अब आगे वन बाय वन हम क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं, समझते हैं। पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, मैन्युफैक्चरिंग है क्या? खास तौर पे जब सूरत के अंदर कई फोन थे मेरे पास, कई दोस्तों के भी फोन थे, प्रोफेशनल कई बिजनेसमैन थे, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग क्या करें, जो हमने जॉब वर्क पे भेजा है, यहाँ दिल्ली में भी जॉब वर्क पे करवाने वाले कई लोग हैं, गांधीनगर में भी कई लोग हैं, तो क्या अब हम मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि देखो ये सेक्शन जो अप्लीकेबल है वो केवल अप्लीकेबल है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में। अब डेफिनेशन देखो, यहाँ वर्ड यूज किया गया है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, तो मीडियम इंटरप्राइजेस हो चाहे माइक्रो हो चाहे स्मॉल हो, तो ये इंटरप्राइजेस का मतलब कोई भी हो सकता है, कंपनी, इंडिविजुअल, फर्म, मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ इसमें रजिस्ट्रेशन कौन ले सकता है? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंटरप्राइजेस, ट्रेडिंग भी ले सकता है, मैं फिर कह रहा हूं आप थोड़ा सा वेट कीजिए। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, जो आप समझिएगा, जो हमारा डीसी पोर्टल है मिनिस्ट्री का, उसके अंदर एक मेरे को डेफिनेशन, आप एमएस एमईडी एक्ट देखेंगे, वहां बहुत ज्यादा ऐसा लिखा हुआ नहीं है, पर इसमें क्या लिखा हुआ है, द इंटरप्राइजेस एंगेज इन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर्टेनिंग टू एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इसकी लिस्ट दी हुई है कि टेक्सटाइल में कौन 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 से काउंट किए गए हैं, कौन से जो हमारे मेटल उद्योग है वो कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आएंगे, पूरी लिस्ट दी हुई है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ, वो लिस्ट आप देख सकते हैं। पहला तो इन्होंने क्या बोला, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है उसके अंदर जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट दी गई है वो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन गुड्स पे आ जाती है। साथ साथ क्या बोला इन्होंने, दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉइंग और प्लांट एंड मशीनरी इन प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन टू द कैरेक्टर और यूज। अब आप क्या कर रहे हो, ये नहीं है, चलो मान लीजिए आपका नाम नहीं आ रहा, तो आपने क्या कर रखा है, प्लांट एंड मशीनरी, कोई आपने प्रोसेस कर रहा है उसमें वैल्यू एड करके एक नया प्रोडक्ट निकल रहा है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं साड़ी बनी, आपने लूम लगा रखे हैं, आपने क्या बोलते हैं मशीनरी लगा रखी है, आप मिल चला रहे हो आपकी खुद की, मैं फिर कह रहा हूं जॉब वर्क पे काम नहीं कर रहे, आपने एक प्रोडक्ट डाला निकल के बाहर आया और वो दूसरी साड़ी निकली, आपने डाला यान, यान से बना आपका क्या बोलते हैं पर्टिकुलर एक कपड़ा, और फिर उस कपड़े को आपने प्रिंटिंग विंटिंग करके एक साड़ी बना दिया, समझे, जिसे हम नॉर्मली कपड़े को ग्रे भी बोलते हैं। तो अब वो मैन्युफैक्चर जो साड़ी, देखो रूप चेंज हुआ, आपने यान डाला और ग्रे बना, दैट्स अगेन अ वी कैन से मैन्युफैक्चरिंग, पर वो आपका है। आपने क्या किया, ग्रे मार्केट से खरीदा, उसको जो वर्क पे दिया, वहां कुछ रंगाई पुताई जो भी करवानी है करवाई। देखो आई थिंक माई व्यू ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं आएगा, तो ये आपको ध्यान समझने वाली बात है, राइट? तो यानी ये मशीनरी प्लांट आप यूज करके प्रोसेस करते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करके एक नया प्रोडक्ट निकलता है, तो वो एक तरीके से उसको नया अलग नाम देते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या लिखा था, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस आर फाइनल प्रोडक्ट हैविंग, जो फाइनल प्रोडक्ट है डिस्टिंक्ट नेम और राइट डिस्टिंक्ट नेम होगा, आपने क्या डाला यान, आपको क्या निकला ग्रे, आपने क्या डाला ग्रे, क्या निकला साड़ी, डिस्टिंक्ट है, दोनों का यूज ही अलग है, दैट्स कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग, राइट? आपने एक ही प्रोडक्ट डाला, कोई डिस्टिंक्ट नाम नहीं है, वही निकल गया, प्लास्टिक डाला, प्लास्टिक प्लास्टिक ही है, जो पहले यूज होता था वही था, खाली कुछ आपने नाम वाम लिख दिया, तो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट है एमएसएमईडी एक्ट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल, यानी जो सेलर है वो ये होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, आप बायर हैं, मैं 43B के रेस्पेक्ट में ये बात कर रहा हूं, बायर है तो बायर पे ये अप्लीकेबिलिटी रहेगी। डिसअलाउंस वाली जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर आप देख रहे हो, डिसअलाउड किए हैं ये 15, ये 10 रुपए, ये आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, ये उसी के लिए है, राइट? तो आपको समझ में आया होगा मैन्युफैक्चरिंग क्या है। सर्विस इंटरप्राइजेस, द एंटरप्राइजेस एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इक्विपमेंट। मतलब आप जब मैन्युफैक्चरिंग है तो नॉर्मली उसको प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, और जो सर्विसेज है उनको बोला जी इक्विपमेंट में आप कर रहे हो, कंप्यूटर वगैरह एटसेट्रा। तो सर्विस है उसको कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है और सर्विस क्या है। ट्रेडिंग आपको पता ही है। अब बात करते हैं फास्ट की, इन दोनों को देखने के लिए कंपोजिट क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। आपको इन्वेस्टमेंट भी देखना है, आपको टर्नओवर दोनों एक साथ देखने हैं, राइट? और ये मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा क्योंकि हम वीडियो फास्ट फिनिश करते हैं और हम क्रक्स वाली बात करेंगे जो आपको समझनी है। अब बात आती है कि जो ये डेफिनेशन मैंने प्लांट मशीनरी की आपको मैंने बताया, प्लांट मशीनरी के अंदर जो डेफिनेशन, इनकम टैक्स के अंदर जो डेप्रिसिएशन चार्ट आप देखते हो रूल के अंदर, उसके अंदर आपको चार ब्रॉडली चार, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, आपको ये कई कैटेगरी दी गई है, इंटेंजिबल एसेट्स। तो आपको जो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो डेफिनेशन, यानी उसके अंदर जो पूरे ग्रुप बनाया गया है, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे आपका और कुछ हो, मशीनरी हो, राइट, तो वो सब प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में आते हैं। और राइट, तो इनटेंजिबल असेट का इसका कोई, टेंजिबल असेट जो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आएगी वही आएगी। अब बात आती कि सर मैंने सेकेंड हैंड खरीद लिया तो क्या प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएगा? आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो ये बहुत सारे, अच्छा एक जो इंक्लूड नहीं किया जाएगा प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, वो देखो वो एक इम्पोर्टेंट है कि जो सेक्शन 7 एमएसएमईडी एक्ट का, उसके अंदर जो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल के जो इक्विपमेंट है, सेफ्टी वाले का जो इक्विपमेंट है, उनको प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया गया है। जो प्लांट एंड मशीनरी जो बताते हैं, सेफ्टी जो इक्विपमेंट है, जो भी है, कोई भी हो सकता है, फायर एक्सटिंग्विशर, जो भी अगर आप उनको सेट में लेते हैं। तो टर्नओवर की कैलकुलेशन मैं फिर बता दूं, अगर आपको ये जो टर्नओवर देखना है जी भाई 50 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, जो कैसे देखना है, पूरा जीएसटी जितने भी टोटल एक पेन पे जितना भी जीएसटी वो टोटल देखना है, राइट? तो ये टर्नओवर आपको देखना है। अब आता हूं कि ट्रेडर क्या एटसी डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा। मैं मेरा एक लिंक भी दे रहा हूँ, उसमें भी मैंने समझाया वीडियो का, जो काफी सर्च किया गया यूट्यूब पे इसी से रिलेटेड, एमएसएमईडी जो प्रोविजन है उससे रिलेटेड, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहां मैं वापस से आपको समझा रहा हूँ, देखिए ये ऑफिस मेमोरेंडम है 2/7/2021 का, इससे पहले भी 20 के अंदर आया पर उसको फिर उन्होंने ओमिट कर दिया, हटा दिया, ये नीचे लास्ट में लिखा हुआ है स्टेंट ओमिटेड, तो वो वाला मैं नहीं ले रहा, ये नया ओवरराइड हुआ एकदम जो फाइनल है अभी हमारे लिए वो ले रहा हूं, बाकी बात भूल जाइए। यहाँ पे आते हैं, द गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड वेरियस रिप्रेजेंटेशन एंड इट हैज बीन डिसाइडेड टू इंक्लूड रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर आर एमएसएमई एंड दे आर अलाउड टू बी रजिस्टर्ड एज उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। यहाँ तक पढ़ने से समझ में आता है कि जो ट्रेडर है, होलसेल और रिटेलर वाले, वो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। हाउएवर बेनिफिट टू रिटेल एंड होलसेल ट्रेड एमएसएमई ट्रेडर एमएसएमई आर टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग ओनली, यानी कि जो प्राथमिक ऋण दिया जाता है सेक्टर को, जो कि एग्रीकल्चर है, एग्री के अंदर आ जाते हैं हम, एजुकेशन में आ जाते हैं, उससे रिलेटेड सारा का सारा है, राइट? तो ये आप, अब इसके अंदर क्या है कि किसको, यानी केवल ट्रेडर ले सकते हैं प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग के लिए रजिस्ट्रेशन, कि आपको लोन में बेनिफिट लेना है, पर्टिकुलर इस पार्ट के लिए रजिस्ट्रेशन आप ले ही नहीं सकते। यानी कि जो ट्रेडर अगर आपको बेच रहा है, आप बायर हैं, तो उसको अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो मेरा व्यू ये है उस पे ये एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, उसके लिए आपको इसको प्रॉफिट में ऐड नहीं करना पड़ेगा, डिसअलाउड नहीं होगा सेक्शन 43B के अंदर। 43B एग्जैक्टली जो सेक्शन है वो मैं अब आपको यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पढ़ा 43B। देखो मैं पूरा टैक्स एक्ट की लैंग्वेज पे नहीं जा रहा, वो ये कहता है आपका कुछ खर्चा पेमेंट बेसिस पे अलाउड होंगे, कुछ पेमेंट बेसिस पे, राइट? परंतु इस 43B के अंदर कई ए बी सी कई दिए, एच एच
जो दिया गया पॉइंट वो फाइनेंस एक्ट वो दिया गया 2023 के अंदर, राइट। एच से पहले जो थे प्रोविजन वहां पे एक प्रोविजो ऐड किया, इससे पहले बता रहा हूं एक प्रोविजो ऐड किया। प्रोविजो क्या बोलता था, अगर सपोज करो आपने पेमेंट 31 मार्च 2024 तक नहीं किया परंतु आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक पेमेंट कर दिया, ड्यू डेट मान लीजिए आपकी ड्यू डेट है या तो 31 जुलाई होगी या आपकी ड्यू डेट होगी 31 अक्टूबर अगर ऑडिट है तो, इनसे पहले पेमेंट कर दिया रिटर्न भरने से पहले जो है ड्यू डेट, तो आपको अलाउड हो जाएगा। यानी जो 15 रुपए हमने डिसअलाउड किए थे 31 मार्च 2024 को, अगर उसका पेमेंट मैंने 30 जून को कर दिया 2024 को तो भी अलाउड हो जाता, इस ये प्रोविजो ये बोलता था। परंतु जो एच वाला जो लेके आए क्लोज उसके अंदर क्या कह दिया, इस एच के लिए इसके लिए ये प्रोविजो अप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब अब आपको 31 मार्च तक ही इसका पेमेंट करना रहेगा खर्चे का, किसको, जो आपके सेलर माइक्रो स्मॉल के अंदर रजिस्टर्ड है। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ये सेक्शन 43 भी बोलता है इनकम टैक्स एक्ट का। तो यानी आप और वो कैटेगरी कौन सी है, आप देख सकते हैं 45 जो एनआईसी कोड है, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड एंड रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल, ये तो पर्टिकुलर इस फील्ड में है तो, पर इसके अलावा होलसेल ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल, इसके अलावा मोटरसाइकिल के अलावा कोई भी होलसेल ट्रेड है वो आ गया 46 कैटेगरी, और जो रिटेल ट्रेड है वो आ गया 47। तो यानी दोनों एनआईसी कोड रिटेल और होलसेल के लिए ले सकते हैं परंतु प्राइमरी लेंडिंग के लिए, आपको समझ में आया। हम आगे चलते हैं, अब और ज्यादा आपका कोई क्वेश्चन रहेगा मैं जरूर अटेंड करूंगा कमेंट बॉक्स में। अब बात आती है कि सर ये 15 दिन 45 दिन का लफड़ा क्या है और गिनेंगे कहाँ से, कब तक पेमेंट करना है, क्या इनवॉइस डेट से काउंट करना है। मैं कहता हूँ इनवॉइस डेट यहाँ पे अप्लीकेबल ही नहीं होगी। अगर ऐसा होता तो कोई भी जो सेलर है जिसने माल बेचा है बायर, मैं ये बोलता बीइंग अ बायर कि भैया इनवॉइस मत बनाना, मैं जब पेमेंट करने की स्थिति में होऊंगा तब बनाना। तो यानी फिर तो ये सेक्शन अप्लीकेबल ही नहीं होता किसी पे। क्या बोलता है देखो मैं फास्ट लेता हूं, दो चीजें हैं एग्रीमेंट में और एग्रीमेंट नहीं किया, बड़े सिंपल मैं देखता हूं एक खाली, हाँ यहां पे लेता हूं इसको बाद में देखेंगे, यहां पे समझाता हूं। अगर एग्रीमेंट बना है, एग्रीमेंट बना हुआ है यस, तो उस एग्रीमेंट का पेमेंट जो ड्यू डेट है वो 45 मतलब जो साइकिल है 45 डेज से ज्यादा हो ही नहीं सकता, से एक्सीड नहीं कर सकता। यानी अगर आपने अपने एग्रीमेंट में कहा जी पीरियड 90 डेज का है तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा, दिस विल रिमेन वैलिड, ऑटोमेटिकली 45 दिन पे आ जाएगा। कहां से, डेट ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, यानी लेट्स अज्यूम सर्विसेज या डेट ऑफ डिलीवरी, आपने गुड्स 1 तारीख को, एक मान लेते हैं जनवरी 2024 को डिलीवर कर दिए, एक्सेप्ट हो गए डिलीवर्ड, तो 15 दिन यहां से खत्म होने, यानी 45 दिन, 45 दिन यहां से आप काउंट कर लीजिए, और उसके बाद वाला जो दिन आएगा अगर वहां तक आपने पेमेंट नहीं किया तो ये अप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। हाँ अब एक और बात आती है कि सर मेरा बाकी था, मान लीजिए एक 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 जनवरी का था, मैंने 28 मार्च को पेमेंट कर दिया, किया तो 45 दिन के बाद है परंतु मैंने कर दिया मार्च के अंदर, उस फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर ही, तो क्या होगा, डिडक्शन मिल जाएगी यस, तब आपको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत केवल वहां है जहां पे ये आउटस्टैंडिंग रह गया 31 मार्च को। यानी एक सिचुएशन हम समझते हैं, समझिएगा मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ एक बार पूरा और फिर बात करता हूँ, राइट। तो अब आप देखिए, हम समझिएगा एक एग्जांपल लेता हूं, सिचुएशन रखते हैं, मेरे सर्विस जो डिलीवर हुई, डिलीवर जो हुई यहां मैंने लिया 1 जनवरी 2024, राइट, एक्सेप्ट हो गई, और मैंने पेमेंट जो किया वो पेमेंट कर दिया 28 मार्च 2024, तो क्या मेरे को इस जो एक्सपेंसेस है, परचेज है 1 लाख रुपए का, इसका मैं एक्सपेंसेस पीएनएल में ले सकता हूं, वेदर
डिसअलाउड, मतलब डिसअलाउड का मतलब डिसअलाउड होगा क्या, मतलब मैं एक्सपेंसेस में हट जाएगा क्या, नहीं हटेगा, मतलब ये एक्सपेंसेस में आप यू कैन क्लेम, यू कैन क्लेम, डिसअलाउड नहीं होगा, मतलब आपको खर्चा मिल जाएगा। अब आता हूं वही 1 लाख रुपए। अब इसका मान लीजिए सेम 1/1/24, और इसका पेमेंट आपने किया 4 अप्रैल 2024, तो आपका ये डिसअलाउड हो जाएगा, डिसअलाउड, यस यस, यानी ये 1 लाख रुपए वापस प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाएंगे और उस पर टैक्स देने पड़ेगा। बट आपको 24/25 में ये, सिंस आपने पेमेंट कर दिया, तो ये 1 लाख रुपए लेस करके आप ले सकते हैं। आपको समझ में आ रहा हूं तो आप समझिएगा मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। तो आपको मैंने डेट भी बताई कैसे काउंट करते हैं, ये सिमिलर एग्जांपल मैंने ले रखा है। ए हैज डिलीवर गुड्स, बी, अच्छा ये तो 45 दिन एग्रीमेंट है तब, राइट। अब एग्रीमेंट नहीं है, मैं वापस एक बार इरेज करता हूं, शायद क्लिक नहीं हो रहा। अब नो एग्रीमेंट, नो एग्रीमेंट है तो क्या होगा, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यानी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जैसे अपॉइंटेड डेट बोलते हैं उसको नॉर्मली, तो उसको डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आपने कर लिया, जैसे कि 1 तारीख को एक्सेप्ट डिलीवर हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो 15 दिन यहां से काउंट होंगे, यानी कि 16 तारीख, राइट। एग्रीमेंट नहीं है तो फिर ये दिन 15 दिन तक हो जाएंगे, 15 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब देखिए एग्रीमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्रीमेंट के लिए भी, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन। तो आप कोशिश करें हर एक सेलर से आप एग्रीमेंट बनाए, कम से कम ये 15 दिन बढ़ के 45 दिन तो हो आपके लिए, पता लगा 15 दिन के कारण आप फंस गए, 30 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, तो एग्रीमेंट होना जरूरी है, राइट। तो ये एक मैंने आपको एक और चीज बताई कि क्या इंपॉर्टेंट है, राइट। अब बात आते हैं कि ऑब्जेक्शन लगा दिया, सपोज करो ये 8 तारीख, 8 जून, तो एग्रीमेंट, नो एग्रीमेंट हैज बीन मेड इन दिस रिगार्ड दैट व्हाट वुड बी द डेट ऑन व्हिच बायर नीड्स टू मेक द पेमेंट टू अवॉइड इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट के लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, आई बटन पे मैं देता हूँ उसका, आप क्लिक करके कि भाई प्रोविजन कितना बनाना है अगर आप बायर हैं, उसका कंपोनेंट कैसे काउंट करना है, वो एक अलग वीडियो, हम अब यहाँ 43B के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो अब क्या 8 तारीख है तो 15 डेज, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है तो ये हुआ 23 को खत्म हो जाएगा, एक्सपायर इमीडिएटली 15 डेज, तो यानी 24th आपको एक्सपायर, 15 दिन जैसे ही एक्सपायर हो गए तो यहां से फिर आपकी लाइबिलिटी शुरू हो जाएगी, राइट। 15 दिन एक्सपायर जो अपॉइंटेड डेट है वहां तक होना चाहिए, अपॉइंटेड डेट 24 तारीख। अब अगर ऑब्जेक्शन रख दिया, राइट, ऑब्जेक्शन रख दिया, और ये ऑब्जेक्शन देखिए, आप देखिए 8 तारीख को डिलीवर किया, 15 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन आ जाना चाहिए, और 13 तारीख को ऑब्जेक्शन कर दिया, ही हैज रेज्ड ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द गुड्स ऑन 13 जून, और फिर जून 18 को विड्रॉ कर लिया ऑब्जेक्शन, मतलब कि वो सही कर दिया, तो ऑब्जेक्शन, तो अब जो 15 दिन काउंट होंगे वो 18th से काउंट होंगे, समझ रहे। अब जो 15 दिन काउंट होंगे वो 18 जून से काउंट होंगे, 5 दिन ये, और यानी 23 जून, और 10 दिन ये, यानी कि 3rd जुलाई, राइट। तो 3rd जुलाई, ये आप समझिएगा कैलकुलेशन क्या बोलती है। अब ऑडिट का प्रोविजन जो आता है ये एक अलग, प्रोफेशनल्स बड़े परेशान है, क्योंकि ऑडिट का प्रोविजन क्या होता है, वो जैसे 31 मार्च 2024 को हम प्रोविजन बेसिस पे लाइबिलिटीज में और एक्सपेंसेस में ऑडिट फीस करके प्रोविजन में चला जाता है, मान लीजिए 1 लाख रुपए है, और सिंस ऑडिट तो होती नहीं, सर्विस रेंडर हुई नहीं, क्योंकि सर्विस रेंडर से 15 दिन या 45 दिन है, तो मेरा व्यू, मैं फिर कहता हूं मेरा व्यू है, तो अब क्या होगा, ऑडिट इसकी कब होगी, नॉर्मली 30 सितंबर, मान लीजिए 30 सितंबर 2024, और बिल रेज होगा मान लीजिए 15 अक्टूबर 2024, ये हुआ बिल रेज, पर सर्विस रेंडर्ड हो गई, सर्विस ऑडिट कब हो गई, सर्विस रेंडर्ड, रेंडर्ड वो हो गई 30 सितंबर को, तो ये जो 30 सितंबर है यहाँ सर्विस रेंडर्ड से काउंट होगा, पर प्रॉब्लम क्या आएगी फिर, यहाँ पे दिक्कत ये है कि सिंस खर्चा तो क्लेम कर लिया था 31 मार्च 2023-24 को, और अब
अगर मैं इसको पेमेंट नहीं कर पाया तो डिसअलाउड कौन से ईयर में होगा, क्योंकि सर्विस तो रेंडर या हुई है 24-25 में, तो ये एक तरीके से मेरे को लगता है कि लुकिना है। मैं आप पे ही छोड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ डिसअलाउंस 23-24 में होना नहीं है, और सिंस यहाँ पे आपने खर्चा क्लेम नहीं किया तो यहाँ पे भी नहीं है 24-25 के अंदर, तो ये एक और एस्पेक्ट है। तो फ्रेंड्स होप सो काफी कुछ आपको समझ में आया होगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, बट आपके क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वंस अगेन।